भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान यहां सिरमौर जिले की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। नाहन में जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लोक नृत्य प्रतियोगिता का शुभारंभ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर आर के परूथी ने किया। इस दौरान प्रतियोगिता में पहुंचे लोक कलाकारों ने यहां मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कलाकारों ने यहां पारंपरिक लोक नृत्य की अनेकों विधाएं पेश कर खूब वाहवाही लूटी। वहीं पारंपरिक वाद्य यंत्र भी यहां लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। प्रतियोगिता में जिला भर से 100 सांस्कृतिक दलों जबकि 2 वाद्य दलों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता से चयनित दल को राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए चयनित किया जाएगा। जिला भाषा अधिकारी अनिल हरटा ने बताया कि समय समय पर लोक कलाकारों के लिए इस तरह के कार्यक्रम विभाग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। भाषा एवं संस्कृति विभाग जिला सिरमौर द्वारा आज जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में जिला भर से 10 सांस्कृतिक दलों और 2 वाद्य यंत्र दलों ने जो है भाग लिया है। इस प्रतियोगिता करवाने का मुख्य उद्देश्य है जिला की लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए यहाँ के लोकगीतों, लोक गाथाओं, गायन वादन, नृत्य शैलियों के संरक्षण के लिए और इसके साथ साथ लोकगीतों की, लोक गायन की और पारंपरिक वेशभूषा की मौलिकता को बनाए रखने के लिए जो है ये आयोजन यहाँ करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ इस आयोजन से जो दल उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करेगा उनको जो है आगे इस वर्ष में जो भी आयोजित होने वाले मेले हैं या स्तरीय मंच जो है उस पर उनको मौका दिया जाएगा और इसके साथ साथ जो है यहाँ के जिला के जो कलाकार हैं उनको एक मंच देने के लिए भी विभाग द्वारा ये आयोजन कराया गया है। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने यहां आयोजित कार्यक्रम की सराहना की। वहीं प्रस्तुति देने पहुंची कलाकारों ने बताया कि इस तरह के आयोजनों से उनके उत्साह में वृद्धि होती है। कलाकारों ने मांग की है कि भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम लगातार जारी रहने चाहिए ताकि उन्हें अपना हुनर दिखाने के लिए मंच मिले। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।